हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दीदीवन में। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय से टीचर की वैकेंसी आई है, जहां पर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 17 जुलाई यानी आज से। तो 20 जुलाई तक ये रहने वाला है। ऑफलाइन मोड में जो है आप लोगों को एप्लीकेशन करना है, ये जो 11 पेजेस की पीडीएफ फाइल है, तो यहीं पर जो है दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप डाउनलोड करके भर के, और जिले वाइज वैकेंसी अलग अलग दी हुई है, तो वहां पर आप लोगों को जमा करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो क्या चाहिए, जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो यहाँ आपको जो है वो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर की उपाधि जो है वो आपने ले रखी हो 50% अंकों के साथ में, और साथ में बीएड जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, यानी आपने एमए या एमएससी या एमकॉम और साथ में बीएड जो है यहाँ पर चाहिए। जिन बच्चों ने एसटेट या सीटेट जो है पेपर 2-3 नहीं किया है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो उसको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और नहीं भी कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आवेदन के साथ में शैक्षणिक प्रेस, शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति जो है वो उसमें लगानी है। यानी ऑफलाइन मोड जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन करना है। कैसे करना है सारी डिटेल हम जानेंगे, कौन कौन से जिले से जो है वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, सारी बात हम देखने वाले हैं। तो मैंने थंबनेल में जो है शो कर दिया था कि 38 जिलों से ये वैकेंसी है, और जिले वाइज आप लोगों को अलग अलग जो है वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो भी जिला है उसी की जो है साइट पर जाकर आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उसके बाद उसको फिल करके वहीं पर जो है वो जमा करवाना है। तो मैं आप लोगों को एक जो है वो एग्जाम्पल के रूप में दिखा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए जिले के नाम, जैसे पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, जितने भी जिले हैं उनकी अलग अलग वैकेंसी है। पटना में 51 है, नालंदा में 34 है, इस तरीके से 38 जिले हैं। 38 जिलों में अगर कुल मिलाकर हम देखें 1113 जो है वैकेंसी है। यदि आपको किसी भी जिले में जो है आप लोगों को एप्लीकेशन यानी अप्लाई आपको करना है, तो आप कैसे करोगे, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है मेन वेबसाइट है नालंदा की, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ष 2023 में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने से संबंधित रिक्ति एवं विज्ञापन। तो यहाँ पर जो है आरंभ करने की जो तिथि है 17 जुलाई है, अंतिम 20/7/2023 है। यहाँ पर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा 11 पेजेस का, जिसमें कौन से जिले में जो है कितनी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन सारा आप देखेंगे, क्वालिफिकेशन, उम्र जो है यहाँ पर क्या मांगी गई है, तो आपको यहाँ डिटेल में पता लगेगा। मान लीजिए आपको पटना से जो है वो अप्लाई करना है, तो आप लोग गूगल पर जो है वो सर्च करेंगे पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार। ठीक है, या आपको और भी कोई जिले से अगर आपको करना है अप्लाई, जैसे कि आपको सारण से करना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर गूगल पर लिखेंगे सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, तो आप जो है इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पर जो है वो पहुंच जाएंगे इसी जिले की। ठीक है, वहां पर आप लोगों के सामने ही जो है ये पटना का जो है ये पेज जो है वो ओपन हो गया है, मेन पेज। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल जो आपको दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो और आपके लिए जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह खुल जाएगा। पूरी डिटेल जो है वो पटना में कितनी वैकेंसी है, किस तरीके से जो है फॉर्म फिल करना है, सारा कुछ जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 पेजेस में जो पेज नंबर 4 है उसमें आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, ऑफलाइन मोड रहेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ये सारा जो है वो फिल करके, और आप लोगों को जो एड्रेस है वहां पर आप लोगों को जमा करवाना है। तो एड्रेस जो है वो आप लोगों का यही रहेगा, यदि आप पटना के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना। ठीक है, तो यहाँ आप लोग जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा देंगे। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ज्वाइनिंग जो है वो 30 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है, यानी कि 30 जुलाई को ही समझ लीजिए कि आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मेन जो वेबसाइट है वह नालंदा है, और यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।